इच्छा थी कि मैं घर घर तक ऐसी चीज़ें परिवार में पहुंचाऊं, एक ऐसी पारिवारिक फिल्म बना के जिससे कि ये मैसेज हर घर में लोग इकट्ठे बैठकर देख सकें और समझ सकें एक एंटरटेनमेंट के थ्रू। गृहलक्ष्मी जब मेरे पास लेके आए थे अरविंद पांडे जी और अद्री ठाकुर, तो ये दोनों आए मेरे पास और बोले एक शॉर्ट फिल्म है वो एडिट करना है। बट जब एडिटिंग स्टार्ट किया, मैं देखा इंटेंट ऑफ द फिल्म, उस फिल्म किस लिए बन रही है, किसके लिए बन रही है, वो जानने के बाद मैं और ज़्यादा जुड़ गया। और जुड़ते जुड़ते फिर फाइनली फिल्म कंप्लीट हुई, हम लोग शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, वहाँ पे मैंने सजेस्ट किया कि शॉर्ट फिल्म में आप इसको क्यों बांध रहे हैं, इसका तो पोटेंशियल है फीचर फिल्म करने के लिए। तो उसके बाद फिर ये सेकेंड फिल्म की शुरुआत हुई। मेरा नाम है कशिश और मैं महालक्ष्मी पथ में शीतल का किरदार निभा रही हूँ। और रही बात कि मैं इस फिल्म से कैसे जुड़ी, मैंने ऑलरेडी इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें मैंने शीतल का ही किरदार निभाया था। श्री राजेश वर्मा, उन्होंने मुझे एक तकरीबन 2-1 महीने पहले कुछ एक हल्का सा बताया था कि एक हम मूवी बना रहे हैं और वो दिल्ली की एक संस्था है, एक योगा संस्था है और कई देशों में है। फिर वो मुझे मिले और बताया, बाकायदा प्रशांत जी का भी फ़ोन आया कि ऐसे हम ये फिल्म बना रहे हैं और इस तरह का कैरेक्टर हम आपके लिए सोच रहे हैं। ऑफ़ कोर्स इन लोगों की बात को वैसे भी मैं नकार नहीं सकता हूँ, तो मैंने बिल्कुल हाँ बोल दिया। एक्चुअली पहली फिल्म में गृहलक्ष्मी में भी एक्टिंग की थी एंड इन दिस फिल्म ऑल्सो द डायरेक्टर अप्रूव्ड माई रोल एंड आई एम प्लेइंग द सेम रोल, मिसेज सिंघानिया, एंड बाय श्री माता जी ग्रेस आई एम एक्टिंग इन अ फिल्म इवन दो आई एम नॉट एन एक्ट्रेस। अब जो महालक्ष्मी इसका जो दूसरा पार्ट बन रहा है उसमें भी मैं लंदन वाली मौसी ही हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ जो मेरे साथ आई हैं लंदन से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इंडियन कल्चर को समझे और सहजयोग को समझे। मैं 97 से सहजयोग कर रहा हूँ, अनुभव तो अनेक हैं मेरे, जो कि बेसिकली हम अगर सहजयोग अगर इसमें करें, अपने जीवन में उतारें, हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जब इस मूवी में जुड़ने, मतलब मुझे पता चला मूवी बन रही है महालक्ष्मी पथ, तो मैंने सिर्फ शिमाता जी से प्रे करी कि शिमाता जी आप मुझे इस मूवी में जब ही लीजिएगा, जब मैं ये आपका जो कार्य है और आपका जो ये भाव है मैं पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं। और बीइंग अ लाइक एक्टर और प्रोफेशनल डांस कोरियोग्राफर, ये मेरे लिए एक तरह से शिमाता जी के कार्य को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक जरिया था। मुझे इस फिल्म में श्री माँ की कृपा से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, संजय तलवार सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। हम जो एक्टर्स हैं, तो जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि हर वक्त हमारे परफॉर्मेंस बेहतरीन होते गए, जैसे जैसे हमने पहला सीन किया, फिर दूसरा, तीसरा, जितने सारे सीन से हर सीन पे श्री माता जी के ब्लेसिंग्स की वजह से हमारे सारे परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल एकदम निखर आए। हम सब मिलके कोई भी कलेक्टिविटी, सेमिनार, पूजा अटेंड करते हैं, इसी तरह से बहुत सारे सहयोगीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो उससे काफ़ी वाइब्रेशंस का जो लेवल है वो उसमें फ़र्क पड़ा हुआ है। और क्योंकि अभी पिछले 2 सालों से जैसे कोविड चल रहा था, तो हम सभी लोग फिज़िकली सहयोगी एक दूसरे से मिलकर ध्यान नहीं कर पा रहे थे, तो कोविड के बाद ये पहला मौका है जब हम सहज सामूहिकता में ध्यान करते हुए और साथ में रहकर काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा अनुभव है। मेरे हिसाब से ये फिल्म जो ये मैसेज लेके जा रही है, इट्स अ वेरी गुड मैसेज दैट जो सब कुछ शक्ति है वो आपके अंदर है, आप महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इस फिल्म के द्वारा जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं वो भी इस कार्य से जुड़े और सिनेमा को बेहतर करें, उसमें कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, लोगों में तेज पैदा हो, लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी बने कि पूरे भारत को पूरा विश्व देख। सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको।